सिंपल फिगर। ओके, यहाँ पे मैंने शेप लगाया है, मैचस्टिक लगाकर ये शेप बनाया है। ओके, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का। ओके, तो उसमें से मुझे कितनी स्टिक्स ये शेप बनाने में यूज हुई है वो मुझे ढूंढनी है। ओके, तो फर्स्ट वाला शेप है रेक्टेंगल का। इस शेप में मुझे 1, 2, 3 और 4 इतनी मैचस्टिक यूज हुई है शेप बनाने के लिए। 4 मैचस्टिक यूज हुई थी, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ द मैचस्टिक, यानी कि 4 मैचस्टिक यूज हुई है मेरी इस शेप के अंदर। सेकंड वाला है रेक्टेंगल का शेप, उसके अंदर ये 1 वाली मैचस्टिक, ये सेकंड वाली मैचस्टिक, ये 3rd वाली मैचस्टिक, ये 4th वाली मैचस्टिक। इसके अंदर भी कितनी मैचस्टिक यूज हुई है मुझे? 4 मैचस्टिक यूज हुई है। थर्ड वाला शेप है ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी है? 1 वाली, सेकंड वाली मैचस्टिक, 3rd वाली मैचस्टिक। ट्रायंगल का शेप बनाने के लिए मुझे 3 मैचस्टिक चाहिए। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने 3। फोर्थ वाला शेप में कितनी यूज हुई है? 1 वाली मैचस्टिक, सेकंड वाली मैचस्टिक, 3rd वाली मैचस्टिक, 4th वाली मैचस्टिक, 5 वाली, 6 वाली मैचस्टिक और ये 7 वाली। तो कितनी यूज हुई है? 6। 5th वाला है ये 1st वाली मैचस्टिक, ये 2nd वाली मैचस्टिक, ये 3rd वाली मैचस्टिक, ये 4th वाली मैचस्टिक और ये 5th वाली मैचस्टिक। तो कितनी यूज हुई है? तो यहाँ पे है 5। 6 वाला है ये 1 वाली मैचस्टिक, ये 2nd वाली मैचस्टिक, 3rd वाली मैचस्टिक, 4th वाली मैचस्टिक, 5th वाली मैचस्टिक, 6th वाली मैचस्टिक, 7 वाली और 8 वाली। तो यहाँ पे 8 आएगा। तो मुझे ये मैंने लिखा वो मैचस्टिक मुझे चाहिए शेप बनाने के लिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है फॉर द डिफरेंट एंगल्स आर marked in the below shape. यह है for the different angles are the marked in the below shape. मैं यहाँ पे shape draw करूँगी, उसमें कौन सा angle आएगा? Acute angle आएगा या फिर obtuse angle आएगा या फिर राइट एंगल आएगा? तो मैंने ऐसा वाला शेप ड्रॉ किया है, तो उसमें कौन सा एंगल आएगा वो हमको ढूंढना है। ये शेप कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल का है, तो ये ऑब्ट्यूस। सेकंड वाला है ऐसा वाला, मैंने ड्रॉ किया शेप। ओके, तो ये कौन सा एंगल बनेगा? ये एंगल बनेगा राइट। थर्ड वाला शेप है ऐसा वाला, तो ये कौन सा एंगल बनेगा? ये एक्यूट एंगल बनेगा।